अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास, इट्स अ सिक्स लेक्चर, वर्क पेज नंबर 85। टॉपिक इज़ हाउ टू मेक अ चीज़ सैंडविच। इट्स आवर इंग्लिश प्लस कुकिंग क्लास। एडिंग अप शॉपिंग लिस्ट, फोर स्लाइसेस ब्रेड रुपीज़ 15, वन अनियन 5 रुपीज़, टू स्लाइसेस ऑफ चीज़ 40 रुपीज़, one carrot 10 rupees, one potato 2 rupees, one cucumber 10 rupees, one capsicum 8 rupees, one tomato 5 rupees, two eggs 20 rupees, 400 gram peanut butter 200 rupees, 100 gram butter 40 rupees। ठीक है, ये सारे ingredients हैं। तो first क्या है यहाँ पे, prepare your shopping list here and sum up the total amount। हमने बनाना है चीज़ सैंडविच, तो चीज़ सैंडविच के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। ब्रेड रुपीज़ 15, चीज़ 40 रुपीज़, एग 20 रुपीज़, टोटल हमारे पास 75 रुपीज़ हमारे यूज़ हुए हैं। आफ्टर प्रिपेयरिंग योर इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑन द नेक्स्ट पेज, गेट रेडी फॉर शॉपिंग एंड इफ़ यू हैव ओनली 100 रुपीज़ हाउ कैन यू मैनेज योर शॉपिंग। तो हमने शॉपिंग की है तो हमारे पास 75 रुपीज़ हमारे यूज़ हुए हैं। ठीक है, और नेक्स्ट पेज इज़ प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स आर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द रीडर्स हाउ टू डू समथिंग, कि किस तरह कोई चीज़ करनी है, ये प्रोसीजर होते हैं, इंस्ट्रक्शन जो हदायत दी जाती हैं। रेसिपी क्या है, प्रोसीजर्स दैट टेल हाउ टू प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड रेसिपी। हम खाना जब तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या तरीका हम यूज़ करते हैं उसको रेसिपी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिपी। रेसिपी फॉर हाउ टू मेक अ चीज़ सैंडविच, अब ये रेसिपी है कि चीज़ सैंडविच कैसे बनाना है। लिस्ट ऑल द थिंग्स यू नीड इंग्रेडिएंट्स, जो चीज़ें हमें चीज़ सैंडविच बनाने के लिए चाहिए उनको कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। नंबर वन पे हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस, नंबर टू पे हमें चाहिए चीज़ स्लाइसेस, नंबर थ्री पे हमें चाहिए एग्स, बॉयल्ड एग चाहिए। ठीक है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस यूज वर्ड लाइक कट, स्प्रेड, प्लेस, दीज टेल्स द रीडर व्हाट टू डू। तो ये वर्ड यूज़ करेंगे, कट, स्प्रेड, प्लेस, जिससे हमें पता चलेगा रीडर कि कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, स्टेप वन, स्टेप बाय स्टेप करना है ना। प्लेस द स्लाइसेस ऑफ ब्रेड एंड कट द कॉर्नर्स, जब एक ब्रेड की स्लाइस रखे रहेंगे तो उनकी आपने सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर्स जो फोर साइड्स हैं ना उनकी वो कट कर लेनी है। स्टेप टू, पुट चीज़ स्लाइसेस ऑन द ब्रेड स्लाइस, तो चीज़ के जो स्लाइसेस हैं उनको ब्रेड के ऊपर रख देना है। उसके बाद पुट एग्स बट कट इन राउंड शेप, तो उसके बाद क्या करना है, एग्स लेने हैं, बॉयल एग हैं, उनको राउंड शेप में कट करना है। ठीक है, उसके बाद स्टेप फोर है, पुट द अदर स्लाइस ऑन इट, तो जब हमने राउंड शेप में वो किए थे तो वो उनको उसके ऊपर, चीज़ के ऊपर रख देना है, फिर दूसरा स्लाइस जो है उसके ऊपर रख देना है, इन सब चीज़ों के ऊपर, एंड चीज़ सैंडविच इज़ रेडी। तो हमारा एक सैंडविच, चीज़ सैंडविच होगा, वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ सैंडविच बनाना आपको आ गया है, किस तरह चीज़ सैंडविच बनाते हैं आपने ज़रूर ट्राई करना है। ठीक है, और नेक्स्ट इट्स आर होमवर्क, वर्कबुक पेज नंबर 87। प्रोसीजर वही है, रेसिपी सेम एज रेसिपी फॉर हाउ टू मेक एन एग सैंडविच। होमवर्क में क्या है, आपने एग सैंडविच कैसे बनाते हैं। लिस्ट ऑल द थिंग्स यू नीड इंग्रेडिएंट्स, जो आपको इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं, जैसे हमने यहाँ पे राइट किए थे चीज़ सैंडविच के लिए, और इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट आपके पास सभी हैं, इसमें से आपको जो जो चाहिए वो आप यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद सेम एज स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपने वैसे ही, जैसे स्टेप वन में हमने क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप थ्री में, स्टेप फोर में, और एक एग सैंडविच आपने रेडी करना है और घर वालों को खिलाना है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक बहुत अच्छा सा एग सैंडविच बना के घर वालों के सामने पेश करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आपने इसको, इसकी सारा प्रोसीजर राइट करना है, और राइटिंग शुड बी नीट। ठीक है, क्लास वर्क में भी राइटिंग शुड बी नीट एंड होमवर्क में भी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।